गाइज वेलकम बैक टू अर्चना ब्लॉग हाउस वाइफ कुकिंग में आपका स्वागत है। तो गाइज अभी बना रहे हैं इमली का चटनी, जो कि 200 ग्राम इमली मंगाए थे, उसको गर्म पानी खौला कर उसमें डाल दिए 2 घंटा पहले, तो फूल चुका है। और 300 ग्राम गुड़ है, जो हल्का सा पानी दिए, आधा आधा कटोरी पानी देकर इसको गुड़ को मेल्ट कर रहे हैं। चाशनी नहीं करना है, सिर्फ मेल्ट करना है। पानी में अगर गुड़ घुल जाए उसके बाद इमली तो फुला हुआ है तो उसको छान लेंगे, तो छान लिए और ये गुड़ भी पानी में घुल गया है तब इसमें डालेंगे। तो इसको लिट्टी के साथ, आलू का पूड़ी हो या बड़ा पकौड़ी, दही बड़ा, किसी चीज़ के साथ आप खाइएगा, बहुत अच्छा लगता है गाइस खाने में। और अच्छा भी है कभी कभी, मतलब कि इमली खाने से, बहुत ज़्यादा खाने से हर चीज़ मतलब खराबी करता है। और इसका झाग निकाल लीजिए, क्योंकि 1 महीना तक ये स्टोर करके रखेंगे। शीशा की गिलास, शीशा का बोतल है तो उसमें एक स्टोर करके और फ्रिज में रख दीजिए, ढेर दिन तक चलेगा। इसमें थोड़ा सा चीनी डाल दिए, चीनी डालने के बाद और अच्छा टेस्ट आता है। तो इसमें थोड़ा सा अजवाइन, थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा गोलकी और किशमिश इसमें डाल दीजिए, मखाना डाल दीजिए, सूप डाल रहे हैं तो, और ये और थोड़ा सा सूखी मसाला डाल दीजिए, नमक डाल दीजिए। सूखी मसाला में मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर सब डाल दिए, क्योंकि इसको पकौड़ी के साथ भी खाएंगे। और इसमें इतना खट्टापन रहता है ना कि जितना आप ये इसमें दीजिएगा सब चीज़, तो उतना अच्छा टेस्ट आएगा। तो बहुत अच्छा टेस्ट लगता है, क्योंकि हमको सब चीज़ में खाना रहता है। ज़्यादा ज़्यादा चाट, अगर किसी चीज़ का चाट बना रहे हैं तो चाट वाला चटनी इसको बोला जाता है। तो चाट में भी बहुत डाल दीजिए, ऊपर से आप दही नहीं खा रहे हैं तो इसी को डाल दीजिए, बहुत अच्छा टेस्ट आता है चाट में भी। तो गाइस खाने में बहुत अच्छा लगेगा। और देखिए ज़्यादा थिक नहीं करना है, कमी में खोल गया बस उसको बंद कर दीजिए, क्योंकि ठंडा होने के बाद बहुत ज़्यादा थिक हो जाता है। और स्टोर करके फ्रिज में रखिएगा तो और ज़्यादा थिक हो जाएगा, तो ज़्यादा थिक अच्छा नहीं लगता। किसी चीज़ में आप दही बड़े के साथ ऊपर से डालने में या चाट के साथ थोड़ा पतला रहता है तो अच्छा लगता है। तो मेरा तैयार हो चुका है, वो आपको दिखाने में इतना समय लगा रहे हैं, ठीक बहुत ठीक हो गया है। और इसको अब ठंडा हो जाएगा, उसके बाद फ्रिज में रखेंगे। तो थैंक यू भाई बनाए।